नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। निर्भया केस के दोषियों को एक साथ ही फांसी, 7 दिन में आजमा ले सभी कानूनी विकल्प। दिल्ली हाई कोर्ट निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग वाली केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों को 7 दिन के अंदर सभी कानूनी वैकल्पिक उपायों को आजमाने की डेडलाइन भी दे दी है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों की फांसी में देरी पर अथॉरिटी को लताड़ भी लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि 1 सप्ताह के बाद डेथ वारंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। पीएम मोदी ने किया राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। इस ट्रस्ट का नाम भी श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। लोकसभा में पीएम ने इसके साथ ही अयोध्या में सरकार द्वारा कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात कही है। बाबरी मस्जिद के लिए योगी सरकार ने अयोध्या के धनीपुर में दी 5 एकड़ जमीन। राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान के बाद अब योगी कैबिनेट ने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का प्रस्ताव पास कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या के सोहावल तहसील के धनीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन देने का फैसला किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।